एमपी में अपना रोजगार शुरू करना होगा आसान। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का हुआ आगाज। सरकारी नौकरियों में भी होगी बंपर भर्तियां। एक तो सरकारी नौकरियों में भर्ती का अभियान लगातार जारी रहेगा। 1,00,000 भर्तियां अभी कर रहा हूं, 50,000 भर्ती और करूंगा। हमारे कई बच्चे अगर अपना काम धंधा शुरू करना चाहते हैं तो मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का लोन वो दिलवा के उसकी गारंटी मैं लूंगा और ब्याज की सब्सिडी भी दूंगा ताकि अपना काम धंधा शुरू कर सके। अगर काम सीखने जाओगे अलग अलग कंपनी में तो एक नई योजना भी चालू कर रहा हूं, मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना। ये बच्चे काम सीखने जाएंगे और काम सीखने के बदले मामा 8,000 रुपया इनको दिलवाने का काम करेगा। ऐसी अनेकों योजनाएं, अभी एक योजना मैंने शुरू करी, 12वीं के बाद क्या करें, 12वीं के बाद बच्चों को काम धंधे की जरूरत होती है। तो एक तो सरकारी नौकरियों में भर्ती का अभियान लगातार जारी रहेगा। 1,00,000 भर्तियां अभी कर रहा हूं, 50,000 भर्ती और करूंगा तो सरकारी नौकरी में भी भर्ती। दूसरे, हमारे कई बच्चे अगर अपना काम धंधा शुरू करना चाहते हैं तो मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का लोन वो दिलवा के उसकी गारंटी मैं लूंगा और ब्याज की सब्सिडी भी दूंगा ताकि अपना काम धंधा शुरू कर सके। और तीसरे, मेरे बेटा बेटियों जिन्हें 12वीं पास कर लिया, जिन्हें आईटीआई कर लिया, ऐसे बच्चे उसके बाद क्या करें? तो मेरे बेटा बेटियों अगर काम सीखने जाओगे अलग अलग कंपनी में तो एक नई योजना भी चालू कर रहा हूं, मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना। ये बच्चे काम सीखने जाएंगे और काम सीखने के बदले मामा 8,000 रुपया इनको दिलवाने का काम करेगा ताकि काम भी सीख जाएं और 8,000 रुपया से उनका खर्चा भी चल जाए। देखिए, मैं मुख्यमंत्री इसलिए नहीं बना कि कुर्सी पे बैठ के आनंद करूं, इसलिए बना है कि मैं लोगों की जिंदगी बदलूं, मैं आंखों के आंसू पोंछूं। मेरी गरीब बहनों, 1,000 रुपया की जरूरत भी अगर पड़ जाती थी, दवाई के लिए चाहिए, बच्चे की पढ़ाई के लिए चाहिए, कपड़ों के लिए चाहिए, बच्चा आके गोद में बैठ गया और कहने लगा माँ मुझे शर्ट दिलवा दे, बेटी कहने लगी मम्मी फिराक दिलवा दे, स्कूल की मेरी कपड़ा फट गया है वो कपड़ा दिलवा दे, खिलौना दिलवा दे, छोटा मोटा और कोई चीज दिलवा दे, या सावन के महीने में जब मायके जाती हैं तो भैया के बेटा बेटी आएंगे दौड़ के और पकड़ के कहेंगे भुआ जी आई है मेरे लिए क्या लाई है। तो बहने इसी चिंता में रहती थी कि पैसा की व्यवस्था कहां से करूं, 1,000 रुपया के लिए भी परेशान हो जाती थी। बताओ बहनों, सही बात है कि नहीं? आज दिल से बताना। अरे सही है तो बताओ, सही है कि नहीं? 1,000 रुपया, 500 रुपया अगर मांगने भी जाए तो कह देते थे रिश्तेदारी, कह दे अरे हमारे पास कहां से धरे। और ये दर्द मैंने बहनों बहुत दिनों से देखा था और मैं कई दिनों से सोच रहा था कि कोई ऐसी योजना बना शिवराज कि बहनों की ये तकलीफ दूर हो जाए। एक दिन मैं रात भर सोचता रहा क्या करूं क्या करूं, क्योंकि एक बात साफ है, देखो मैं कहने के लिए भैया नहीं हूं, आपके बेटा बेटी मुझे मामा कहते हैं, वो मेरे भांजे भांजी है, अब वो भांजे भांजी हैं तो ये जो सामने बैठी है ये मेरी बहने हैं सब। बताओ बहने हैं कि नहीं? अरे जोर से बोल के बताओ है कि नहीं? भाई हूं मैं? अरे बताओ भाई हूं, सगा हूं कि सौतेला? और इसलिए मेरे मन में यह बात आई कि भाई भी तो, तू भी तो भाई है और भाई भी सगा भाई है। अब भाई सावन के महीने में अपनी बहनों को कुछ ना कुछ तो देता ही है, राखी बंधवाता है तो पैसा देगा, कपड़ा देगा, कोई 100 देगा, कोई 200 देगा। मेरे दिल ने कहा कि देख अपनी बहनों की तरफ, क्या तेरा कोई फर्ज नहीं है? और मैंने तब सोच लिया कि ऐसी योजना बनाऊंगा, क्योंकि साल में एक बार बहनों के खाते में पैसा डालने से काम नहीं चलेगा। बताओ एक बार देने से काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा। और इसलिए मैंने तय किया एक बार नहीं, हर महीने अपनी बहनों के खाते में 1,000 रुपया मैं डालूंगा ताकि मेरी बहनें मजबूर ना रहे। ये मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना है।